आप लोगों से आग्रह किया कि आप लोग यहाँ आए, क्योंकि वो रसूल पुकटी साहब, मेरी पिछली फिल्म में इन्होंने एक सदमा दिया आके कि पहले 5.1 मिक्सिंग होती थी, इन्होंने कहा कि नहीं 7.1 करेंगे। तो वो बड़ी पिक्चर थी, हमने कर लिया। फिर वार्निंग में इनका एक दिन फोन आया, बोले अनुभव एटमॉस करेंगे। मैंने कहा ये क्या होता है? तो कुछ 150 स्पीकर लगे हुए हैं, वो सारे इन्होंने कंट्रोल किए। तो इसलिए मैंने आग्रह किया कि आप लोग यहाँ आए, 3D पर एटमॉस में देखें। 4 दिसंबर 1990 को बॉम्बे आया था, अब मुंबई कहते हैं, लोग नाराज़ हो जाते हैं बॉम्बे बोलने से। तो आज ऐसे देख रहा हूँ, इतने सारे कैमरे सब, लग रहा है काफ़ी खर्चा हो गया। तो 4-5 साल से प्रोड्यूसर बनने की ख्वाहिश थी, और थोड़ी ज़रूरत भी मुझे महसूस होती थी, क्योंकि मैं जितनी फिल्में बनाना चाहता हूँ उतनी फिल्में मैं एज डायरेक्टर मुझसे होता नहीं, मैं उतनी ज़्यादा फिल्में नहीं बना पाता। तो मुझे एक अच्छा जरिया लगा कि ज़्यादा फिल्में बना सकते हैं। शुरुआत एक छोटी फिल्म से की, जिसमें किशोर लुल्ला, मेरे दोस्त पराग सांगवी, इन लोगों ने कहा कि हम तुम्हारे साथ खड़े। तो एक छोटी और बहुत डिफ़िकल्ट फिल्म हमने बनाई, और भी फिल्में इसके बाद बना रहे हैं, लेकिन ये पहली है। और चूंकि छोटी है और नए लोगों के साथ है, तो आप लोगों के सहयोग की, आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो बहुत ज़्यादा 12 साल पहले पहली फिल्म रिलीज़ की थी इस डायरेक्टर मैंने, तुम बिन, नए लोगों के साथ। तो जितना उस दिन डरा हुआ था, आज पता नहीं क्यों उसका डबल डरा हुआ हूँ, जबकि आसानी से कह सकता हूँ गुरमीत से बात करो। लेकिन सर, बहुत बेहद धड़कते हुए दिल से मैं आप लोगों के सामने ये ट्रेलर प्ले करने जा रहा हूँ, फर्स्ट लुक वार्निंग का, 2 बार चलेगा, और उसके बाद फिर मिलता हूँ आपसे। पूरी फिल्म, पूरी क्रू को पानी में, ज़मीन से हम लोग 5-6 मील दूर होते थे हमेशा, चारों तरफ किधर भी पानी, पानी के अलावा कुछ दिखता नहीं था। तो आई वॉन्ट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक द टीम दैट मेड दिस पॉसिबल। इससे ज़्यादा मैं 20 साल हो गए मुझे काम करते हुए, और हर किस्म का काम किया है, वीडियोज़ बनाए हैं, टेलीविजन किया है, समंदर में पहले भी शूट किया है सीहॉक्स नाम के सीरियल में कुछ 2.5 साल, लेकिन इससे ज़्यादा एडवर्स सर्कमस्टांसिस मैंने देखी नहीं है। और जिस तरीके से दिन में 16 घंटे 15 घंटे पूरी यूनिट काम करती थी, आई वॉन्ट टू थैंक देम। बहुत फैंटास्टिक म्यूज़िक 3 म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने बनाया है, शारिब तोशी, मैंने उनको देखा यहाँ है, मीत ब्रदर्स, अनजान, जॉन स्टेवर्ट, आई वॉन्ट टू थैंक देम फॉर क्रिएटिंग सम सीरियसली वंडरफुल सॉन्ग्स। उसमें से एक हमने सोनू निगम के साथ कुछ दिन पहले डब किया, जो उनका बड़ा, अब मुझे बहुत अनयूजुअल सोनू का गाना लगता है, आप लोग थोड़ी देर में सुनेंगे थोड़ा सा। तो उन सब का शुक्रिया था, आप सब का शुक्रिया था। और इससे पहले कि हम थोड़ा सा आगे बढ़े, मैं इस फिल्म के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आदमी से आपको मिलाना चाहता हूँ। और कोई भी जब फिल्म बनाते हैं, तो मैंने जैसे जब कंपनी बनाई, तो मैंने ये तय किया था कि हमारी फिल्म में डायरेक्टर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई आदमी नहीं होगा। और इस सिलसिले में एक बहुत यंग, बहुत टैलेंटेड, बहुत एम्बिशियस एक इंसान से मुलाकात हुई, और मुझे यकीन नहीं होता कि उसने ये बात, प्लीज़ ये एक आंकड़ा याद करने का और ध्यान देने की चीज़ है कि लोग 3D फिल्में शूट करने से घबराते हैं ज़मीन पे, इस शख्स ने ये 3D फिल्म 42 डेज में समंदर के अंदर शूट की। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज़ वेलकम गुरमीत सिंह। All yours. Thank you. I'm actually transported back to कुछ 1-1.5 साल पहले की बात है, जब मैं पहली बार अनुभव सर से मिला था। बहुत सारी कहानियाँ थी, कुछ स्क्रिप्ट्स थी जो मैं उनको मिलता रहता था, सुनाता रहता था, और कुछ अच्छी भी पसंद भी आती थी, पर कुछ मतलब समथिंग वॉज मिसिंग, आई नेवर सॉ एनी एक्साइटमेंट। एक दिन फाइनली मैंने पूछा कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तो ही सेड आई वांट अ फिल्म जिसको देखने के लिए मेरा मन करे थिएटर जाने के लिए, आई वांट अ थिएटर गोइंग एक्सपीरियंस। तो मैंने कहा कि आई हैव एन आइडिया, बट बहुत फार फेच्ड है, बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने बोला क्या है, मैंने बोला पूरी फिल्म पानी में। उस दिन, वो एक दिन था, एंड आई थिंक टुडे इज द डे कि वो रोलर को उस तरफ रुका ही नहीं, और शुड आई से टाइडल वेव, एंड देन यू सीन अ ग्लिम्स ऑफ क्या बनाया हमने,
and hopefully you've liked it. So we've come to your shores, now rest is up to everyone to watch. बीच में एक और दिन था, मैं रात को सोते सोते, मुझे सोते मतलब ऑलमोस्ट सोते आते मुझे आइडिया आया कि क्या ये पिक्चर 3D में बनाए. तो थैंकफुली लंदन हमसे 6 घंटा पीछे रहता है, तो मैंने किशोर लुल्ला साहब को फोन किया, तो वो ऑफिस में ही थे उस समय. तो मैंने कहा किशोर भाई 3D में बनाए, तो उधर ऐसा कुछ 3 मिनट का पॉज आया एंड ही सेड बट यू आर राइट, ये पिक्चर 3D में बहुत कमाल लगेगी, बना 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 3D में बनाते हैं. तो उसके 1.5 मिनट बाद मैंने गुरमीत सिंह को फोन किया, गुरमीत सिंह सो चुके थे. मैंने कहा गुरु 3D में बनाए, तो बोला क्या बात कर रहे हो सर. मैंने कहा हाँ यार 3D में बनाते हैं. एंड देन इट हैज बीन वन हेल ऑफ अ राइड. और इनके बारे में मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, बड़ी मजे की बात है. इनका जो पासपोर्ट, इस सरदार जी हैं ये, इनका जो पासपोर्ट है उस पर इनकी 16 साल की फोटो है. तो दाढ़ी भी नहीं है, पटका बंधा हुआ है. तो किसी भी इमिग्रेशन काउंटर पर जाते हैं इनको साइड में ले लिया जाता है और फिर इनका इंटरव्यू होता है, इनको इंटरोगेट करते हैं. अनफॉर्चुनेटली इस पिक्चर में इनको काफी ट्रैवल करना पड़ा, और हर बार जब पूरी यूनिट जाती थी तो मैं फोन करता था गुरु पकड़ा गया कि हाँ पकड़ा गया तो गुरु हर बार पकड़ा जाता था और गुरु हर बार छूटता था. अब पासपोर्ट चेंज करा लिया. तो आई थिंक टाइम टू इंट्रोड्यूस द कमांडोज ऑफ द फिल्म. हाँ, बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस बनाए, एक नए लोगों के साथ पिक्चर बनाई थी, बहुत सारे नए लोगों से मिला हूँ मैं, बहुत नए एक्टर्स के साथ मिला हूँ. और जब भी आप मैंने इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप ऐसा बोलते हैं कि ये वाले बेस्ट हैं. लेकिन इसमें आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूँ जिससे पहले कि आप उन्हें मिलें, कि इस फिल्म में ना तो ये था कि आपको हीरो लगना है, हीरोइन लगना है, आपको एक्टर होना है, आपको स्विमिंग आनी चाहिए. और स्विमिंग पूल की एक होती है, और समंदर के अंदर जहाँ पता नहीं होता कितना नीचे क्या क्या है, वो एक अलग होती है. ये 7 बच्चे, उसमें से माफी चाहता हूँ एक नहीं आ सकी आज, वो सुजैना ब्राज़ील की लड़की है, वो आज कुछ शूटिंग में कहीं फंस गई, नहीं निकल सकी. बाकी 6 लोग आपके सामने हैं. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग 42 दिन, दिन के 13 घंटे समंदर के पानी में रहते थे, और ट्रस्ट मी ये आसान काम नहीं है. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग द एक्टर्स ऑफ वार्निंग. सो ये हैं वो सारे कल्प्रिट्स. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. एंड इसके बाद मैं और गुरु आपकी सेवा में उपलब्ध हैं, अगर आप लोग कुछ.
शार्प पहने हैं, शातिर, सवाल पूछना चाहें तो और इनसे बाहर मिलते हैं. थैंक यू. अच्छा अच्छा सॉरी. एक एक करके बोलेंगे ना तो हम लोग आते रहेंगे. एक्चुअली लेफ्ट से शुरू करते हैं, लेफ्ट से शुरू करते हैं. एक्सट्रीम एक्सट्रीम लेफ्ट कैमरा. वेट बेटा. आ रहे, बस आ रहे, चल पड़े. हाँ जी सर. ओके थैंक यू. थैंक यू गाइस. यार ये पार कैन थोड़ा बढ़ा दिया अब थोड़ा सा गुरु. हाँ अनुजा जी. यस हाय सर. एज अ प्रोड्यूसर ये आपका पहला एक्सपीरियंस है तो कैसा एक्सपीरियंस था ये? पहली बार आप एज अ प्रोड्यूसर कर रहे हैं. अच्छा वो आपने एक सवाल पूछा जिसका मैं एक्चुअली जवाब देना चाहता था. ये जैसा मैंने कहा हर तरह का काम किया है. लो बैंड से शुरू किया था, फिर हाई बैंड, बीटा, डीजी बीटा, 16mm, 35, सिनेमास्कोप, बीच में एक और फॉर्मेट था वो उसका नाम शाहरुख खान है, फिर उससे बड़ा फॉर्मेट 3D कुछ ऐसा. तो इस पूरे प्रोसेस में मैं कभी भी मेज के उस साइड में नहीं था और समझ में आया कि मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है फिल्म प्रोड्यूस करना. नॉट ओनली बिकॉज यू नीड टू raise monies to make a film, not only because you need to take it to the people, but because it requires immense amount of belief in the subject matter, in the people, to be able to make a film. And putting all of that together, finding the team, the captain, it's one hell of a job. And I'm thankful that I turned a producer, and I wish to take this opportunity to thank all the producers who worked with me, and today I understand what a difficult job they were doing. Anubhav sir, yeah, here. Samne, just samne. Haan. Sir, ye jana chahenge ki is tarah ki filmen Hollywood mein zyadatar banti hai, dekha jaye to. So idea wahi se aaya kya ye? Kyunki Bollywood mein to haan, matlab is tarah ki filmen main aapse agree karta hu ki Hindustan mein kam se kam warning jaisi film, zahir hai maine film dekhi hai, is kisam ki film nahi bani hai Bollywood mein. और यही वजह भी थी कि एक ऐसी चीज़ें भी हम लोग अब ट्राई करना शुरू करें जो हमारे यहाँ नहीं होती है. तो लिहाजा उसके चैलेंजेस थे अपने, उसकी अपनी तकलीफें थी. और फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में जानना चाहेंगे कि आपने कोई फेमस चेहरा क्यों नहीं लिया या सब नए नए? मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक स्टार का नाम नहीं लूंगा, अभी बताता हूँ. तुम बिन रिलीज होने के बाद मैं एक बहुत बड़े स्टार से मिला, उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे पूछा कि तो उनको बहुत पसंद आई थी फिल्म, उन्होंने कहा कि तू ये किसके पास लेके गया था इसके पहले, किसने मना किया? तो मैंने कहा कि मैं किसी के पास नहीं ले गया था, और सच है कि मैं किसी के पास नहीं ले गया था, और मुझे कारण नहीं मालूम था क्यों नहीं ले गया था. उसके कुछ समय पहले, कुछ साल भर पहले का एक किस्सा है कि मैं टी सीरीज के भूषण कुमार जी के कमरे से बाहर निकला, जिन्होंने मुझे ब्रेक दिया. उनके कमरे से बाहर निकला तो मेरा एक दोस्त जो आज बड़ा प्रोड्यूसर है वो बाहर था, उसने मुझे गले लगाया, सेट पागल है, तेरे पीछे इतना बड़ा आदमी खड़ा है, तू क्यों कर रहा है नए लोगों के साथ काम? तो ऑनेस्टली मुझे नहीं पता मैंने तब क्यों किया नए लोगों के साथ काम. मैंने आज के ये पिक्चर एक्चुअली लॉजिस्टिकली स्पीकिंग ये नए लोगों की पिक्चर है. इसमें आप देखेंगे फिल्म तो इसमें स्टार्स को कास्ट नहीं कर सकते, बट ये वजह नहीं थी. वजह ये थी कि मुझे बहुत मजा आता है नए लोगों के साथ, एक बहुत कमाल की एनर्जी होती है पूरी टीम में. हाय गुरमीत. डायरेक्टर से सवाल है, इसकी वन लाइन क्या है और वार्निंग किससे है, ऑडियंस को है या एक जो कैरेक्टर से एक दूसरे को वार्निंग देते हैं? देखिए इन लाइफ एंड इन आर रिलेशनशिप्स देर आर वार्निंग्स ऑल अराउंड अस दैट कम एंड गो, जो हम कई इग्नोर करते हैं एंड वी पे फॉर देम, आर डियर वंस पे फॉर देम, एंड द सेम थिंग इज इन द फिल्म. सो दैट डेंजर कैन बी फिजिकल, दैट डेंजर कैन बी इमोशनल, इट कैन बी पर्सनल, बोथ. हाय गुरमीत. गुरमीत, अनुभव जी खुद भी एज अ डायरेक्टर बहुत सारी फिल्म कर चुके हैं, तो इस फिल्म के दौरान आपने कुछ टिप्स ली डायरेक्शन में, अनुभव जी से हेल्प ली डायरेक्शन करते हुए? आई थिंक द बिगेस्ट थिंग इज जस्ट नोइंग दैट ही इज देयर, और
एक चीज जो आप लोगों को अनुभव जी के बारे में नहीं पता, जैसे ये इन्होंने पहले बोला था कि ये छोटी फिल्म है, तो ये छोटी इनके लिए है, बाकी तो इन विच एवर वे पॉसिबल जब भी हो सकता है ही कीप्स लिफ्टिंग द बार एंड मेकिंग इट एज बिगेस्ट थिंग्स कैन गो. सो दैट्स हिज मेन थिंग एंड हिज बिलीफ. ही लेट्स यू मेक योर फिल्म एंड एज अ डायरेक्टर यू कांट आस्क फॉर एनीथिंग मोर देन दैट. गुरमीत हेलो गुरमीत तारीफ कुछ और डिटेल में मैं आप फिल्म के बारे में बता पाएंगे कि ये किस किस्म की वार्निंग्स हैं, लाइक जैसे फाइनल डेस्टिनेशंस में हम लोगों ने मतलब देखा कि मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स वो कैसे मौत के कारण बन जाते हैं. कुछ इस किस्म की कहानी है या उससे अलग है? नहीं, दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट. दिस इज ये एक सर्वाइवल फिल्म है. सो इट्स अबाउट 7 पीपल बीइंग स्टक इन अ क्राइसिस एंड स्ट्रगलिंग टू स्टे अलाइव. सो दैट इज द genre of the film, that's the theme of the film, and for everything else it's better if you experience it and watch it rather than me telling you in detail what happens. But the crux of the film is people stuck in a crisis and how they are struggling to stay alive, to get away. Reference point agar bata sake. Reference point warning bane to better hai rather than koi aur reference point ho. Anubhav ji, a question for you. Yeah. Warning is basically, it's a lovely promo, and the film is actually based on real life events. And your debut production venture as well, Gulab Gang, is it really based on real life events as well? Can you just elaborate a bit on it? Which one are you talking Gulab about? Gulab Gang. We'll talk about Gulab Gang a little later. Just a little bit of... No, not today, please. Little... Not today. No? No. Okay, thanks. Shall we have tea? Thank you so much. Really appreciate it. Thank you. आप लोगों का मैं यहाँ पर आना बहुत लंबे समय तक याद रखूंगा. Thank you. बहुत खुशी है कि finally we इस stage तक पहुँचे हैं और भी film आगे जाएगी, इन लोग देख सकते हैं. ये पहली इंडिया की अंडरवाटर 3D फिल्म है. फिल्म ऑलमोस्ट लगभग पूरी ही पानी में बेस्ड है, और ये पानी मतलब स्विमिंग पूल का पानी नहीं है, असली समुंदर में पूरी पिक्चर शूट हुई है, 3D में शूट हुई है. ये फिल्म की USPs हैं. एक नया जॉनर है, 7 नए कलाकार मिलेंगे आपको देखने के लिए इस फिल्म में, और म्यूज़िक है, बहुत इंटरेस्टिंग म्यूज़िक है, बहुत नया म्यूज़िक है. जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उनका फोटे भी है, यू विल गेट टू हियर सम. बहुत एक फ्रेश म्यूज़िक का सेंस मिलेगा आपको फिल्म में. ये चीज़ें हैं आपके लुक फॉरवर्ड करने के लिए. गुरदीप जी, ये जानना चाहेंगे कि इस तरह की फिल्में बहुत कम बनती हैं खासकर इंडिया में, सो आप ये आइडिया किसके कैसे आया? अनुभव जी और मेरी जब एक डिस्कशन हो रही थी तो उनका एक थॉट था कि उनको एक ऐसी फिल्म बनानी थी जिसको थिएटर में जाके देखने का मज़ा अलग ही हो. तो एक थिएटर गोइंग एक्सपीरियंस हो कि जो सिनेमा घर में जाके फिल्म देखने का जो फील है कि एक्सपीरियंस है वो मिले. तो ये जो जॉनर था वो उसको टेस्ट करता है, क्योंकि हमारे पास पानी है, हमारे पास 3D है, और एक ये फिल्म सर्वाइवल फिल्म है. ये 7 लोग की कहानी है जो एक क्राइसिस में फंस गए हैं, और वो नेचर से बैटल कर रहे हैं, आपस में बैटल कर रहे हैं, बहुत चीज़ें हैं, शार्क्स भी हैं. और इस फिल्म में थ्रिल है, इस फिल्म में इमोशन भी है, इस फिल्म में कहानी है. तो जो फिल्में एक नॉर्मल फिल्म में होती है वो सब हैं, सिर्फ एक जो ये सेटिंग है एक नहीं है. तो आई होप लोगों को ये पसंद आएगा, एंड दे विल वार्म अप टू इट. उनको ये नया जॉनर भी पसंद आएगा, एंड दे लाइक इट. और ऐसी और फिल्में बनेंगी आगे. हाँ जी, किस तरह का एक्सपीरियंस था आपका? बहुत ही थ्रिलिंग था, मतलब बहुत ही मज़ा आया ये शूट करने में के लिए, क्योंकि हम लोग स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग पूल में करते हैं. यहाँ पे हम ओशन के बीच में स्विमिंग कर रहे हैं और शार्क से डील कर रहे हैं, और 15 फीट ऊपर जो यॉट के ऊपर सबसे टॉप में वहाँ से हम डाइव मार रहे हैं और अंडर वाटर जा रहे हैं सीधा यॉट के नीचे और ऑपोजिट डायरेक्शन में निकल रहे हैं. सो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो
एक्टिंग भी कर रहे हैं, मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड भी है. सो काफ़ी कुछ सीखने को मिला. और यस, इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू एक्सपीरियंस. 13 घंटे पानी में रहना, समुद्र का पानी. हमको ट्रेनिंग दी गई थी पहले ही, मतलब काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग दी गई 10 दिन पहले, लाइक कैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, कैसे ठंड, अगर ठंड है तो कैसे डील करना है उसको. और अगर हम ज़्यादा स्टिफ हो गए तो हमको निकाल दिया जाता था, थोड़ा 10 मिनट के लिए थोड़ा वार्म अप हो, देन अगेन वी यूज टू गो इनसाइड. तो यस, डिफ़िकल्ट था क्योंकि स्विमिंग पूल में नॉर्मल रहता है, बट ओशन के बीच में और ठंड है, गर्मी है, मतलब माहौल अलग है, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था. बट बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल क्रू जो हमारे साथ थे हमको ट्रेन करने के लिए, वो इतने अच्छे थे, तो हमको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई. मतलब दे वर देयर टू सेव अस, टू रेस्क्यू अस. मल्टी स्टार फिल्म, सो मींस हाउ फार योर एक्टिंग पोटेंशियल हैज बीन प्रूव इन द फिल्म. आई थिंक दिस इज़ एन एक्टिंग बेस्ड फिल्म, मतलब तो सबका रोल इतना प्रोमिनेंट है, मतलब ये स्क्रिप्ट भी एक हीरो है और एक्टर्स भी हीरो हैं. सो आई थिंक सबका रोल इतना इंपॉर्टेंट है तो सबकी एक्टिंग नजर आएगी. इट्स जस्ट नॉट मी, इट्स अबाउट एवरी वन. सो सबका जो बैटल है, मतलब सर्वाइव करने का, एवरी थिंग इज सो इम्पॉर्टेंट दैट सबका परफॉर्मेंस नजर आएगा. कास्टिंग डायरेक्टर अप्रोच मी. आई वॉज देयर इन द साउथ, मैं वहाँ पर गई थी ऐसी वैकेशन मनाने के लिए. एंड सडनली आई गॉट अ कॉल कि ऑडिशन आना है, मैं ऑडिशन के लिए जाना है. तो मैंने कहा अब कैसे जाऊँ, कैसे क्या करूँ, कैसे निकलूँ. तो फिर मेरा मिस हो गया था, लेकिन दोबारा एक हफ्ते बाद दोबारा फ़ोन आया मुझे ऑडिशन के लिए. देन आई वेंट, और हमेशा लास्ट डे था ऑडिशन का, स्क्रीन टेस्ट का. तो आई वेंट देयर, तो लकीली मुझे गुरु सर ने पसंद कर लिया. बट येस, उसमें भी 3 लड़कियाँ और शॉर्टलिस्ट हुई थी. तो उसके बाद दोबारा स्क्रीन टेस्ट हुआ. और उसके बाद स्विमिंग टेस्ट हुआ, वाटर बेस्ड टेस्ट हुआ. तीन अलग अलग टेस्ट थे इस फिल्म में. तो ये सारे दौर से गुजरना था हमको, तब जाके ये फिल्म मिली है. सो इट वॉज अ लॉन्ग प्रोसीजर. ना सिर्फ नॉर्मली लुक्स होते हैं, एक्टिंग होते हैं, लुक टेस्ट होता है, एक्टिंग टेस्ट होता है, वो तो था ही. दैट वॉज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट के परफॉर्मेंस बेस्ड चाहिए. उसके अलावा इन लोगों का वाटर टेस्ट था, जहाँ पे इनकी वाटर स्किल्स भी टेस्ट की गई थी. उसके बाद फिर इनका एक रिगरस मेडिकल टेस्ट था, बिकॉज एक ऐसी फिल्म करने के लिए इनको फिजिकली एक लेवल ऑफ फिटनेस चाहिए थी, जो बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि अदरवाइज बहुत डेंजरस हो सकता था. तो इनको जो ट्रेन किया गया था, देवर ट्रेन के ऑलमोस्ट 6 हफ्ते ये लोग पानी में सर्वाइव कर सकते थे. इस लेवल की ट्रेनिंग इनको, यू नो, इंडियन ऑडियंस आर मोस्ट ऑब्सेस्ड अबाउट, यू नो, इंडियन डांसिंग नंबर्स एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग. सो हाउ आर दे विल एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ फिल्म. इसमें भी डांसिंग है, ऐसा नहीं कि इसमें डांसिंग नहीं है. इसमें भी डांसिंग है, इज जस्ट दैट वी हैव शोन यू द जस्ट द ट्रेलर राइट नाउ. अभी तो आगे देखिए होता है क्या. इसमें भी परफॉर्मेंस है, डांसिंग है, मसाला है, मिर्च है, सब कुछ है. बस थोड़ा सा ट्विस्ट है कि बॉलीवुड में नया कुछ लेकर आने की कोशिश की है. सो या, थैंक यू. हाय, मेरा नाम है जितिन गुलाटी और मैं दीपक का किरदार प्ले कर रहा हूँ वार्निंग में. हाय, मेरा नाम वरुण शर्मा है और मैं अंशुल चौबे, एक कैरेक्टर है वार्निंग में, उसका किरदार प्ले कर रहा हूँ. हाय, मेरा नाम है सुमित सूरी और मैं अमनपुरी का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ. तो सर, आपसे हमें शुरू करते हैं कि किस तरह का एक्सपीरियंस रहा फिल्म में वार्निंग. बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था यार, बहुत ही मज़ा आया. काफ़ी टफ था ये, ऐसा कुछ भी नॉर्मल नहीं था इसमें कि रोज़ सुबह गाड़ी उठानी और शूटिंग पे जाना है. पूरी फिल्म हमने 42 डेज पानी में थे और पूरी फिल्म स्टार्ट टू एंड पानी में है. और शूट शुरू होने से पहले काफ़ी ट्रेनिंग हुई, तो हमारी यहाँ पे काफ़ी दिन ट्रेनिंग चली. उसमें हमने काफ़ी स्विमिंग सीखी, अंडर वाटर सीखा, सब कुछ सीखा, सांस कैसे रोकी जाती है पानी के नीचे, और ये सब सीखा. इनफैक्ट फिजी में भी हमारी ट्रेनिंग कंटिन्यू थी, वहाँ पे भी हमने सीखा. तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है मेरे ख्याल से तो. और इतना एडवेंचर था, इतना सब कुछ था, तो बड़ा मज़ा आया. मेरा जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अलग था. मेरे करियर की शुरुआत में अगर मुझे एक ऐसी फिल्म, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, ऐसी फिल्म के इतनी जो चैलेंजिंग है, जो ज़मीन पे नहीं है, पानी में है, एंड दैट ऑल्सो इन द मिडल ऑफ द ओशन वेयर देयर इज़ यू डोंट नो एनीथिंग. आपको पता नहीं होता आपकी पैर के नीचे कौन सी फिश जा रही है या कहाँ पे है. आप 550-600 फीट डीप वाटर में है और कॉन्स्टेंटली 13 घंटे के लिए जब तक आप पानी में है, आपके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, तो आपको फ्लोट करने के लिए अपने हाथ पैर बार बार चलाने ही पड़ेंगे. तो बहुत टायरिंग था, लेकिन एग्जॉस्ट हो जाते थे जब वापस होटल के कमरे में जाते थे. लेकिन जो पूरा एक्सपीरियंस था और सारी जो चीज़ें थी, जो ट्रेनिंग से लेके ऑडिशन प्रोसेस से लेके ट्रेनिंग से लेके एक्चुअल शूटिंग तक, आई थिंक ये बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था. जैसे हम नारी टैगलाइन भी कहते हैं, कम हैव अ थ्रिलिंग 3D एक्सपीरियंस, तो वो तो हमारा थ्रिलिंग लाइफ एक्सपीरियंस हुआ है वहाँ पे फिजी में. एंड दैट प्लेस इज अगेन, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. सो बहुत ही मज़ेदार, चैलेंजिंग, एक्साइटिंग और धमाकेदार था. मेरे लिए तो एक इट वॉज एक्चुअली लर्निंग अ न्यू स्किल. मेरे को स्विमिंग नहीं आती थी ऑडिशन करने से पहले भी. सो थैंकफुली मेरे कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे 15-20 दिन पहले बता दिया था कि ऐसी फिल्म बन रही है एंड आई कैन सी यू, यू नो, प्लेइंग वन ऑफ द रोल्स देयर.
सो मेरे पास 15-20 दिन थे स्विमिंग सीखने के लिए. थैंकफुली जो हमारे वाटर ऑडिशन प्रोसेस बहुत लंबा था, हमारा पहले नॉर्मल एक्टिंग टेस्ट हुआ, उसके बाद 15 दिन बाद हमें दोबारा बुलाया गया फॉर अ लुक टेस्ट, उसके बाद वाटर बेस्ड टेस्ट हुए. एंड वाटर बेस्ड टेस्ट भी सिंपल नहीं कि हमें स्विमिंग करनी थी, दे उनको देखना था कि हम कितने ग्रेसफुल हैं पानी में, हम कैन वी स्टेबलाइज अर सेल्फ इन वाटर. एंड उसके बाद दोबारा ऑडिशन हुआ पानी में ताकि हम डायलॉग्स बोल पाते हैं कि नहीं पाते. सो फॉर मी इट वॉज अबाउट 15-20 डेज कि मैं स्विमिंग सीखूँ और फिर ये ऑडिशन करूँ. थैंकफुली दैट पास्ट, लेकिन आई दैट वॉज जस्ट अ बिगिनिंग बिकॉज उसके बाद इट वॉज रियल ट्रेनिंग. एंड ऑन द फिल्म वी वर एक्चुअली ट्रेन्ड लाइक कमांडोज, जो यू नो आर्मी कमांडोज जो कि बाहर जा रहे हैं, और वी आर एक्चुअली गोइंग ऑन अ वॉर फार अवे लैंड फिजी, 6 लोग 7 लोग पानी के बीच में इन द मिडल ऑफ साउथ पैसिफिक ओशन. और इट वॉज एक्चुअली अ मैटर ऑफ यू नो वाइल वी वर प्लेइंग अ रोल इन द फिल्म, असल लाइफ में भी हमारे साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ जो शायद एक्चुअल में होता है. वी वर डीलिंग विद यू नो वेनमस स्नैक्स, जेली फिश ने काट लिया किसी दिन, किस दिन बहुत ठंड लग रही है, यू नो वी शॉट फॉर 6 आवर्स इन द वाटर, और उसके बाद रात को एक बहुत ही इमोशनल सीन है. सो ओवरऑल इट वॉज अ लाइफ, इट वॉज वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस फॉर अस. हमने मूवी शूट की है लेकिन पर्सनली हम सब के लिए, हम सातों के लिए, हमारी पूरी क्रू जो 64 members क्रू मेम्बर्स थे हमारे, हम सब के लिए बहुत बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस और यादगार मोमेंट रहेगा हमारे लिए. ये फिल्म की एक और खास बात है कि फिल्म 3D में शूट हुई है. हाँ जी. और आप लोग नए नए हैं इस फिल्म के लिए. हाँ जी. कैसे डेब्यू नहीं. हाँ जी. ऐसा कितना मजा है, कितना एक्साइटमेंट था इस चीज़ में. बहुत एक्साइटमेंट था 3D में शूट कर रहे हैं. अगर जैसे अगर हम टेक्निकल साइड पे बात करें, जो 3D का एक फ्रेमिंग होता है, जिस तरह से वो एक फ्रेम सेट करते हैं या फिर एक शॉट सेट करते हैं, उसमें काफ़ी टाइम लगता है. एंड तो पानी के अंदर when there the and you know in water where there's water all around, the camera movements also kind of get restricted because from all the sides you're getting the same view. So our DOP Mr. Franz Pagger, I think hats off to him, the way he captured every shot, the way he dealt with the situation and seeing that water space, the yacht and everything, I think it was a beautiful experience. And of course in the starting of my career I got a chance to be a part of a 3D film. I think it's just wonderful. Yeah. Could you tell us how it was working in Mr. Gurmeet? I want this bite from all three of you. Okay. Mr. Gurmeet Singh, I think he's a fantastic director. The best thing about him is that he's very sorted. So he's... I'll take that again. Working with Mr. Gurmeet Singh, I think it was a fantastic experience. He's very sorted in his head. He exactly knows as to how his film is going to look. Like that trailer, the film, the songs, everything is there in his mind. Even before we started shooting. So... And you know the best thing is that he gives the actors a lot of space, like whatever, however he wants them to play it, he guides us. And after that he even gives us a chance ki hum us tarah ko usme aur kya improvise kar sakte hain, usme apni apne tarike se aur kya cheeze dal sakte hain. I think for an actor and to work with him, I think it's just amazing, yeah, because aapko puri freedom milti hai, aapko puri space milti hai, plus har din har roz har minute unse kuch na kuch mere ko personally to seekhne ko milta hi hai. Okay, now you please. गुरमीत सिंह मतलब जितने अच्छे डायरेक्टर हैं वो उतने ही अच्छे इंसान हैं. सबसे पहली चीज़ कि उनके साथ मेरे ख्याल से हर एक एक्टर के लिए वो ट्रीट हैं कि जैसा खुला छोड़ देते हैं एकदम कि सीन समझाया, ये सीन है, ये इमोशन है इस तरीके से, और जिस तरीके से आप लोग करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं. तो मेरे लिए तो बड़ा अच्छा था क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करता हूँ. तो मेरे लिए कि ये सीन ही समझाते थे और बिल्कुल कभी भी ऐसा नहीं लगता था यार वो कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, क्या होगा कैसे रिएक्शन होगा. बड़े हम्बल हैं और प्यार से समझाते थे जो समझ में आता था. तो एज एन एक्टर ही वॉज अ ट्रीट सीरियसली. तो मैं तो मेरे को बड़े पसंद है वो. थैंक यू. आई थिंक मैं कहूँगा कि गुरमीत सिंह इस फिल्म के लिए गॉडसेंड हैं. यू नो आई बिलीव कि हर फिल्म यू नो अट्रैक्ट्स देयर ओन एक्टर्स, अट्रैक्ट्स द डायरेक्टर. इस ये फिल्म गुरमीत सिंह ही बना सकते थे, उनके जैसा ही कोई बना सकता था, और थैंकफुली हमें वो मिले. हम उनको ना सेट पे हम वी यूज़ टू कॉल हिम अ बुद्धिस्ट मॉन्क क्योंकि वो कभी स्ट्रेस नहीं लेते. और ये फिल्म 42 दिन में शूट करना काफ़ी स्ट्रेसफुल है. एंड आई एम नॉट सेइंग बिकॉज आई वर्कड इन द फिल्म, इट्स इफ़ यू सी द लॉजिस्टिक्स, यू नो हमारी शूटिंग जो थी इट वॉज नॉट डिपेंडेंट ओनली ऑन एक्टर्स एंड ऑन द लॉजिस्टिक्स ऑफ द सेट. हम सी के मिडल में शूट कर रहे हैं तो कभी बारिश हो जाती थी, कभी विंड बहुत तेज़ हो रही है, और हम मिडल ऑफ द पैसिफिक ओशन है, यॉट के ऊपर बैठे हुए हैं और विंड इतनी तेज़ है कि कुछ कर ही नहीं पा रहे. हमारी फिल्म में मतलब क्लाइमेट वॉज अ मेजर थिंग, यू नो कभी सनलाइट नहीं आ रही है. सो अब 42 दिन में शूट भी करना है, इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना है, राइट.
तो ऐसे उसमें तो आई थिंक यू नीड अ पर्सन लाइक हिम हु डज नॉट टेक स्ट्रेस डज नॉट गिव आउट दैट स्ट्रेस टू एक्टर्स एंड स्टिल गेट्स अ जॉब डन एंड हैट्स ऑफ टू हिम दैट ही इज एक्चुअली मेड अ फिल्म विद इन द गिवन कॉस्ट्स एंड विद इन द गिवन टाइम थैंक यू सो मच Just make a curve left. इसे कम होने से डाउन है। All of you come close ना। All of you come close ना। Yeah. Making the sign. Switch more of this. Huh? Warning sign. What is this? Like this. Yes, warning sign. The warning sign. Your left side. Yeah. Coming up. Switch more of you. जी, अब right जा रहे हैं। Right के दोनों cameras. Center camera. अब नीली शर्ट वाले साहब के पास जा रहे हैं और अब अपने घर जा रहे हैं। मंजरी सबसे ज्यादा बहुत ही खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। यहाँ पे भी और फिल्म में भी। थैंक यू सो मच। तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपको? ये जो फिल्म है इसका एक्सपीरियंस मैं बोलूँगी इज़ अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। ऐसी फिल्में वैसे भी बहुत ही कम बनती हैं, मतलब बनती नहीं। इंडिया की पहली अंडर वाटर 3D फिल्म है और आई मीन मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे एक ऐसी वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी वाली फिल्म में काम करने का मौका मिला है। एंड इस फिल्म की शूटिंग बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी बिकॉज हम सब एक्टर्स को, हम सातों को पानी में 14-14 घंटे हर रोज़ यू नो विद द वेव्स एंड द मतलब वेव्स तो बहुत ही ईजी बात है बट विद सी स्नैक्स विद द शार्क्स एंड द जेली फिश मतलब आप नेम करेंगे ऑल द डेंजरस थिंग्स इन द वाटर वर राइट अराउंड अस। तो ये एक एडवेंचर बेस्ड फिल्म है एंड बीइंग एन आर्मी ऑफिसर्स डॉटर मैं बहुत ही एडवेंचरस हूँ बचपन से और ये फिल्म मुझे करने का मौका मिला। आई एम लाइक आई फील सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। किस तरह की तैयारी थी जिससे आपने बताया कि शी स्नैक्स और 24 घंटे में रहना, किस तरह की तैयारी थी? ये फिल्म करने से पहले हम लोगों को like we had a proper specialist team which had come to train us, like our director of photography Franz Fagot, brilliant guy. He also himself is an underwater diver and everything, so he along with Tack Baldwin and Dave Judge, in teenon ne hame bahut achi training di thi. We were trained to be underwater for a longer time, matlab you know saans rokna, breathing, we had all these exercises, swimming lessons hote the. And we were trained in the way ki hum log, okay, we are trained in a way ki hum log 6 weeks, saato ke saato, we can survive in wild ocean for like, you know, 6 weeks. So yeah, so we are trained like commandos completely. You started your career with the film where you're a sweet and simple girl, and here you are playing a bold character. So how yes. challenging it's playing a bold character as compared to a sweet and simple girl? मैं बोलूँगी मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मुझे कोई भी रोल दिया जाए आई शुड बी एबल टू प्ले इट विद एज मच ईज एंड एज मच कॉन्फिडेंस एंड एज मच ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑडियंसेज एंड आई थिंक आई कैन डू इट वेरी वेल एंड सेकेंडली आई मीन यू नो मल्टी स्टार फिल्म too many stars in it. I mean, if you have make a debut or you are starting a movie where you are singly focused on, that would be more beneficial for career. So why are you starting in a movie where there are so many people? देखिए अगेन आई वुड रिपीट द सेम आंसर टू यू देयर बिकॉज मैं एक्ट्रेस हूँ, मुझे मतलब है फिल्म की स्क्रिप्ट से, फिल्म के सेटअप से, मैं किन लोगों के साथ काम कर रही हूँ। मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं जिन लोगों के साथ काम करूँ वो सभी बहुत अच्छे लोग हों एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस, आई मीन लाइक एवरीबडी इन माई टीम वॉज फैंटास्टिक एंड नॉट जस्ट दैट, आई मीन एवरी कैरेक्टर इन द फिल्म, हर एक कैरेक्टर को का अपना एज है, हर एक कैरेक्टर को लाइक इट्स अ ब्यूटिफुली क्राफ्टेड फिल्म, क्राफ्टेड स्क्रिप्ट कि एवरी कैरेक्टर विल बी रिमेंबर्ड व्हेन ही गोज़ बैक
और शी गोज बैक होम. मंसूरी कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रेशर था क्योंकि जो बाकी कास्ट थे वो सब नए थे और आपने ऑलरेडी फिल्में कर चुकी हैं, आप तो कहीं ना कहीं प्रेशर था आपके ऊपर. प्रेशर except the water pressure and no other pressure around me for sure. Were you comfortable wearing a bikini? Well, how many hours a day? Yeah, beyond a point, you know, you stop getting, you just lose all your shame. I think I've lost all my inhibitions working on Warning. Thank God we had a lot of foreign crew also, so it was easier for us. And yeah, I mean, doing two films, one wearing a bikini and one like sex comedy like Grand Masti. I think abhi main bahut besharam ho gayi hu life mein. So abhi September mahina to aapke liye bahut hi khaas hai kyunki abhi khaas important everything. Ha, do do filmein aa rahi hai to kya kuch chal raha hai dimag? I'm trying to just breathe and just like, you know, be calm because like I'm very nervous but theek hai. Yeah, all right, thank you. Varun's car actually. Jagan Jones. My car is at home for me. Oh, hi Audrey, nice to meet you. Congratulations. Thanks. Take a look at anyone who can help us with taking care of the bag. Okay, you have it behind, right? Yeah. Okay.